कितना वाला भैया कितना हुआ 8,310। सर जो हम हर घर घूमे मोहल्ले में घूमे दुकानों से लिया जिसने दिया तन मन धन से लिया किसी से नाराज नहीं किया। गोमैया की पीड़ा थी व्हाट्सएप फेसबुक लाइव आए जिसकी पीड़ा भी फोटो में दिखाया और मेरे साथ जो घूमे राणा राम जी आचार्य और गिरधारी जी रामावत जी और यहाँ बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने बोला जाइए सहयोग देंगे इन्होंने किया 8,330 रुपये यहाँ से राशि आई है। अभी मैं ये वीडियो डिलीट कर के बंद करके पिकअप को फ़ोन कर रहा हूँ और गाड़ी में चढ़ा दूंगा और इस गोमैया का शाम तक ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ जब भी वो गोमैया मेडिकल ट्रीटमेंट से जूझ रही हो तो आगे आए दुनिया और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। जो कर रहे हैं 8,300+ रुपये आए हैं तो उसमें गाड़ी का किराया हो जाएगा। ये मेरे को वाकायदा मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि ये पैसे मेरे को सुपुर्द करें क्योंकि इसका मेन जिम्मेदार मैं हूँगा और पैसे की जिम्मेदारी मेरी है। गोमैया वहाँ पहुँचे ना पहुँचे वो जिम्मेदारी मेरी है। गाड़ी वहाँ पहुँचे ना जिम्मेदारी मेरी है। जब तक गौमैया का ट्रीटमेंट नहीं होगा वो मेरी जिम्मेदारी रहेगा क्योंकि ये शक्ल से मेरे को पहचानेंगे और कभी भी उसकी शिकायत आएगी तो ये भरी बाजार में मेरे को नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी ने बोला था ना कि मेरे में गलती हो तो मेरे को भरे चौराहे पे फांसी दे देना। तो ये गौ माता के लिए इन्होंने सही राशि इकट्ठा किया और जो मदन जी आचार्य करके उनके गौ मैया के मालिक थे उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार हाथ खड़े किए फिर भी उन्होंने 1,000 रुपये मैंने रिक्वेस्ट करके लिया और अभी हम गाड़ी में चढ़ाएंगे। आप सभी ने मेरे को लाइव देखा ये वीडियो सुना सहयोग जिसने ग्रुप से दिया उन सबका लाख लाख शुक्रिया। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल।